شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. पंजाबी के एक सूफी मन शायर जो पंजाबी आवाम में बहुत मकबूल हैं, जिनका नाम मियां मोहम्मद बख्श है, उनका एक शेर है या एक शेर का एक मिसरा है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। इस छोटे से पंजाबी के मिसरे में बड़ी हिकमत बयान की गई है। और जहाँ तक मोमिन की तरबियत का ताल्लुक है, जो कुरान और सुन्नत ने मोमिन की तरबियत की है, उसमें ये बात बहुत अच्छी तरह दाखिल है और मोमिन के मिजाज का हिस्सा बना दी गई है कि किसी की मौत पर, किसी के गम पर खुशी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद बाद ऐसे मौके आते हैं कि बास खुशियों का मौत से ताल्लुक बन जाता है। फिर जाते ही मौत खुशी का बायस नहीं होती, बल्कि उसके पीछे कोई और हिकमत कार फरमा होती है। उनको खूब खोल कर बयान करते हुए फरमाया, यौमैज़ यफ़्रहुल मोमिनून बिनस्रिल्लाह, कि आज के दिन मोमिन बहुत खुश हैं, इसलिए नहीं कि किसी को शिकस्त हुई है या कोई मारा गया, बिनस्रिल्लाह इसलिए कि खुदा की नुसरत उनकी मदद को आई है। बस जनरल ज़ियाउल हक़ साहिब की मौत बजाते खुद हरगिज़ किसी खुशी का मूजिब नहीं। हमारे वाकया यह है कि हमें उनके पसमानदगान से भी हमदर्दी है और उनके साथ मरने वालों के पसमानदगान से भी हमदर्दी है। और मैंने जमात अहमदिया के सरबराह की हैसियत से उनको ताज़ियत का पैगाम भी भिजवाया है। और बिला तरद्दुद मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे दिल में उनके दिलों के लिए रहम तो है, किसी किस्म की शोखी, किसी किस्म का तमस्खर, किसी किस्म की मुफाखरत का कोई जज्बा नहीं। और यही हाल मैं जमात अहमदिया का देखना चाहता हूँ और यही हाल मैं समझता हूँ कि जमात अहमदिया का है। खुशी भी है और हरगिज़ हम उसका इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि मोमिन किसी किस्म की मुदाहनत की खातिर झूठ नहीं बोल सकता। हमारे वाकया यह है कि तमाम आलम में आज अहमदियों के दिल राजी हैं और बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? इसलिए नहीं कि अलिफ मरा या बे मरा,
इसलिए खुश हैं कि बेनसर अल्लाह कि अल्लाह की मुनस्सत को आते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। वो जिसके इंतजार में वो दिन गिना करते थे, उस नुसरत को सूरज की तरह रोशन आसमान से नाजिल होते हुए देख लिया है। और ये वो तारीखी दौर है जिसमें से आज हम गुजरे हैं, गुजर रहे हैं। इस दौर में से गुजरना एक ऐसी सआदत है जो किस्मत के साथ कौमों को नसीब हुआ करती है। एक ऐसा निशान जाहिर हुआ है कि जिन लोगों ने उस निशान को देखा है उनकी नस्लें हमेशा फख्र से याद किया करेंगी कि हमारे आबाओ अजदाद के ज़माने में अल्लाह ताला की नुसरत का यह अजीम शान निशान जाहिर हुआ था। बस हमारी खुशी हरगिज किसी की मौत या किसी के दुख से वाबस्ता नहीं है। इस खुशी के बावजूद हमें उनकी तकलीफों का एहसास भी है और उनकी तकलीफों का दुख भी है। मोमिन के बरक्स जो लोग ईमान की हलावत से आशना नहीं होते, जिनको कुरान और सुन्नत की सही तरबियत हासिल नहीं होती, उनके रद्द अमल इससे मुख्तलिफ हुआ करते हैं। वो दुश्मन की छोटी सी खुशी के ऊपर बगले बजाते और नाचते और तमस्कुर करते छोटे से गम पर और उसकी छोटी सी खुशी पर निढाल हो जाते हैं, वे उन पर मौत वारिद हो गई। हमसे बिल्कुल बरक्स सूरत हाल अहमदियत के दुश्मनों की है। हमें वाकया ये है कि हमारे इस दावा की सच्चाई इस बात में मुजमिर है कि खुदा ने हाल ही में दो निशान दिखाए हैं, एक दुश्मन की जिंदगी का और एक दुश्मन की मौत का। जब हमने खुदा की तरफ से दुश्मन की जिंदगी का निशान देखा तब भी हम खुश हुए, और जब हमने अपने मौला की तरफ से दुश्मन की मौत का निशान देखा तब भी हम खुश हुए। अल्लाह ताला की नुसरत के निशान पर हम खुश हैं, किसी की मौत और जिंदगी से हमारी खुशियों का कोई ताल्लुक नहीं। इसके बरक्स वो लोग जिनके जाती ताल्लुकात थे गुमशुदा मौलवी से, जो शोर मचा रहे थे कि उसकी मौत का गम हमें हलाक कर रहा है, जब तक हम इसके खून का बदला ना लें हमें चैन नहीं आएगा, उसकी जिंदगी की खुशी की खबर सुनते ही उनके ऊपर मौत तारी हो गई। हर तरफ यूं था जैसे शोक का आलम हो। झूठे की ये पहचान हुआ करती है, और इस तरह खुदा सच्चों और झूठों में इम्तियाज करके दिखा दिया करता है। आज जनरल ज़ियाउल हक साहब की मौत पर जो ये उलमा सदमे का इजहार कर रहे हैं ये वही हैं जो कल तक इनको गालियां दे रहे थे। इसलिए इसके इनके इस रद्द अमल ने बता दिया कि मौत का सदमा नहीं, इनको इस बात का सदमा है कि खुदा का एक निशान अहमदियत के हक में जाहिर हो गया है, उसकी स्याही है जो चेहरों पर फिर गई है। इसलिए जमात अहमदिया अल्लाह ताला के फजल से कुरान करीम और सुन्नत से तरबियत याफ्ता है, और जो लोग कुरान और सुन्नत से तरबियत याफ्ता नहीं उनमें और हमारे दरमियान एक ऐसा इम्तियाज है, एक ऐसा फर्क है जो हर आजमाइश के वक्त रोशन होकर जाहिर होगा, और कभी कोई साहिब बसीरत इस फर्क को महसूस किए बगैर रह नहीं सकता। चुनांचे इन दोनों वाकयात पर आप जमात अहमदिया का रद्द अमल भी देख लीजिए और जमात अहमदिया के मुखालिफिन का रद्द अमल भी देख लीजिए, तो आपको मालूम होगा कि हम सच्चे हैं, हमारा जाहिर भी सच्चा है, हमारा बातिन भी सच्चा है, और हम खुदा ताला के चेहरे की रजा की तरफ देखते हैं, और वही हमारी खुशियों का मूजिब है। अगर वो रजा हमें नसीब न रहे तो वो हमारे लिए मौत का दिन होगा, और खुदा करे कि हम हमेशा खुदा की रजा की जिंदगी के साथ जिंदा रहें। इस ज़मन में मैं एक बात ये भी खूब अच्छी तरह आप पर खोल देना चाहता हूँ कि इस वाकया का जो पस मंज़र है उससे भी जमात अहमदिया की सच्चाई ज़ाहिर होती है। हमें हरगिज़ शौक़ नहीं था कि जनरल ज़ियाउल हक़ साहेब खुदा की कहरी तजल्ली का निशाना बने। चुनांचे मुसलसल बार बार खूब खुले लफ्ज़ों में इनको तंबीह की गई
बल्कि मैंने तो निजात के रास्ते भी बताए कि अच्छा अगर आपको कोई दिल में खुदा का खौफ हो और शर्म के मारे अपनी वजाहत और दुनिया के मर्तबे की खातिर जो हया है वो माने हो जाए, तो आप ये तरीके इख्तियार करें बचने का कि जुल्म सितम से हाथ रोक लें, बस खामोशी इख्तियार कर लें। हम ये समझेंगे और हमारी दुआ है कि खुदा की तकदीर भी इसी तरह आपसे सलूक करे कि आपने चैलेंज कबूल करने से इनकार कर दिया और अपने जुल्म से बाज आ गए हैं। चुनाचे खुले लफ्जों में ये समझाया गया और फिर ये भी कहा गया कि एक लंबे अरसे से उनकी तरफ से जवाब नहीं आया, उनको ज़्यादा वक्त मिलना चाहिए, वो गौर करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी तरह एक उस वतन का सरबरा जिस वतन से हमारा ताल्लुक है, हम में से अक्सर जो आज यहाँ खुतबे में मौजूद हैं उनका उसी वतन से ताल्लुक है, उस तरह खुदा की कहरी तजल्ली का निशान बने। क्योंकि अगर ऐसा हो तो इसके अवाकिब में फिर और भी खुदा ताला की नाराजगियों के इजहार हुआ करते हैं। ये बहुत बड़ी रोक थी मेरे दिल में, इसलिए मैंने उनको खूब मौका दिया। चुनाचे बाज इख्तबासात में एक दो आपके सामने रखता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि जमात अहमदिया को शौक नहीं था कि वो खुदा के की कहरी तजल्ली का निशाना बन जाएं, बल्कि उनको खूब अच्छी तरह मुतनब्बे किया गया और तंबीह का कोई पहलू बाकी नहीं रहने दिया गया। एक खुद उन्होंने कहा, जहाँ तक सदर साहब पाकिस्तान का ताल्लुक है उनके मुतालिक हमें अभी उन्हें कुछ वक्त देना चाहिए। उन्होंने अभी अभी कुछ सियासी कार्रवाइयाँ की हैं और अगर से वो इस्लाम के नाम पर की हैं, मगर बहरहाल वो सियासी कार्रवाइयाँ हैं और वो उनमें बहुत मसरूफ़ हैं। अभी उनको ये भी कतई तौर पर इल्म नहीं कि आइंदा चंद रोज़ में क्या वाक़ियात रूनुमा होंगे, इसलिए हो सकता है कि वो तजब्ज़ुब महसूस करते हों कि ये ना हो कि मैं इधर चैलेंज कबूल करूं और उधर कुछ और वाकया हो जाए। इसलिए जब तक उनकी कुर्सी मजबूत ना हो जाए, जब तक वो अपने मंसूबों पर कारबंद ना हो जाएं और महसूस ना करें कि हाँ अब वो इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां जिसको चाहें उसको चैलेंज दें, जिस किस्म की अकूबत से उन्हें डराया जाए वो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे कबूल कर सकें, वो इस मुकाम और मर्तबे तक अभी पहुंचे नहीं हैं, इसलिए उनको ढील दी जानी चाहिए। इसलिए हम इंतज़ार करते हैं, देखें खुदा की तकदीर क्या जाहिर करे, लेकिन चैलेंज कबूल करें या ना करें, चूंकि वो तमाम आयम्मतुल मुकफ़िरीन के इमाम हैं और तमाम अज़ियत देने वालों में सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी इस एक शख्स पर आयद होती है जो मासूम अहमदियों पर जुल्म किए हैं, उस जुल्म के पीछे पड़कर झांकने की कोशिश की है ताकि उससे लज़त याब हो सके कि जो हुक्म जारी किया था वो जारी हो भी गया है कि नहीं, और एक मासूम अहमदी कैसे तकलीफ महसूस कर रहा है। जब तक ये ना पता चले इनको लज़त महसूस नहीं होती। ऐसे शख्स का जुबान से चैलेंज कबूल करना ज़रूरी नहीं हुआ करता, उसका अपने जुल्म और सितम में जारी रहना इस बात का निशान होता है कि उसने चैलेंज कबूल कर लिया है। इसलिए इस पहलू से भी अब वक्त बताएगा कि इनको खुदा ताला के मुकाबले की किस हद तक ज़रूरत है और इंसाफ का खून करने की किस हद तक ज़रूरत है। ये 1 जुलाई 1988 के खुतबे से इक्तबास है। तो इस मज़मून में खोल कर उनको बता दिया गया था कि अगर आप जुल्म से बाज ना आए तो फिर यकीनन पकड़े जाएंगे, और अगर जुल्म से बाज आ गए और अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली तो इसको आपकी तरफ से चैलेंज से बचना करार दे दिया जाएगा, दिया जा सकता है। और हम यही समझते हैं कि ऐसी सूरत में अल्लाह ताला आपको नहीं पकड़ेगा, लेकिन अफसोस है कि उन्होंने इस मौलत से फ़ायदा नहीं उठाया।
چنانچہ میں نے 12 اگست 1988 کے خطبہ میں چند دن پہلے یہ اعلان کیا کہ یہ استہزاء میں بڑھ رہے ہیں اور اپنے گزشتہ کردار میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر رہے. یہ علماء یا مخالفین کے متعلق عمومی بیان ہے, صرف ضیاء صاحب کے متعلق خصوصی نہیں. استہزاء میں بھی بڑھ رہے ہیں, ظلم میں بھی بڑھ رہے ہیں, اور اب یہاں سے حکومت کا ذکر شروع ہوتا ہے. اور حکومت کا جہاں تک تعلق ہے وہ معصوم احمدیوں پر قانونی حربے استعمال کر کے طرح طرح کے ستم ڈھا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آغاز ہی میں حکومت کو یہ متنبہ کیا تھا کہ اگر آپ اپنی شان کے خلاف بھی سمجھتے ہوں چیلنج کو قبول کرنا, اگر آپ زیادتیوں سے باز نہ آئے اور ظلم و ستم کی یہ راہ نہ چھوڑی, تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں خدا کی تقدیر اسے مباہلہ کا چیلنج قبول کرنے کے مترادف بنائے گی اور آپ سزا سے بچ نہیں سکیں گے. یہ وہ ذکر ہے جس کے چند دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی تقدیر ظاہر ہوئی اور وہ آج دنیا میں خوب شہرت پکڑ چکی ہے. بارہ اگست کے خطبے میں میں نے یہ بھی ذکر کیا, خدا کی تقدیر لازماً ان کو پکڑے گی اور لازماً ان کو سزا دے گی جو ان شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے. بہرحال یہ کیسا عظیم شان تاریخی نوعیت کا نشان ہے جس کے اوپر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ظاہر ہونے کے نتیجے میں شکر واجب ہو گیا ہے, اور یہ شکر خدا تعالیٰ کی حمد کے ذریعے ظاہر ہونا چاہیے. یعنی شکر کا اظہار اللہ تعالیٰ کی حمد کے ذریعے ہونا چاہیے. کثرت کے ساتھ جماعت احمدیہ کو ان دنوں میں حمد میں مصروف رہنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف بھیجنے چاہیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, کیونکہ جیسا کہ الہاماً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بتایا گیا کل برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ساری برکتیں جو اعجازی نشان ہیں یہ تمام کے تمام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے وابستہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو خوب عمدگی سے بیان فرمایا جب یہ کہا کہ این چشمہ رواں کہ بخلق خدا دے ہم یا قطرے ایز بحر کمال محمد است, کہ تم جو میرے ہاتھوں سے نشانات کا ایک جاری چشمہ دیکھ رہے ہو, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحر کمالات میں سے ایک قطرہ ہے. بس احمدیوں کو یہ بات نہیں بھولانی چاہیے, ٹھیک ہے ہم نے دعائیں کی اور مباہلہ کر کے اپنا سب کچھ خدا کے حضور پیش کر دیا, لیکن یہ بات کبھی نہیں بھولانی چاہیے کہ اصل طاقت ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی طاقت ہے اور آپ کے تعلق باللہ کی طاقت ہے. جتنا آپ اس طاقت سے وابستہ رہیں گے, اس کے قریب رہیں گے, آپ طاقتور رہیں گے. جتنا بے وقوفی سے اس زوم میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ہماری وجہ سے خدا نے کچھ دکھایا ہے, اتنا ہی اس طاقت کے سرچشمے سے دور ہوں گے اور اس پناہ کی چھتری سے باہر نکلنے والے ہوں گے. اس لیے کبھی کوئی احمدی کوئی نشان دیکھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ کی چھتری سے باہر نکلنے کی ضرورت نہ کرے, کیونکہ جس دن کسی نے اس چھتری سے باہر قدم رکھا اسی دن اس کی ہلاکت ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الامام جنتن, کہ مومن کے لیے امام اس کی ڈھال ہوا کرتا ہے, اور تمام اماموں سے بڑھ کر سب ائمہ کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اگر اس ڈھال سے آپ آگے بڑھے یا دائیں اور بائیں ہٹے تو آپ تیروں کی زد میں آ جائیں گے اور پھر کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں سکے گی. اس لیے جتنا آگے بڑھنا ہے خوب بڑھتے رہیں,
मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में और आपकी ढाल के पीछे पीछे चलें। और इस पहलू से ये भी याद रखें कि खलीफा वक्त अपनी ज़ात में कैसा ही बेहसियत क्यों ना हो, वो अपने वक्त में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आपका नुमाइंदा होता है, इसलिए उसकी ढाल से भी आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। जिस हद तक वो आगे बढ़ता है, जिस मैदान में वो आगे बढ़ने का फ़ैसला करता है, उसके पीछे पीछे रहें, उसका साथ दें, उसके साथ चलें, तो इंशाअल्लाह ताला हमेशा आप खुदा ताला की हिफाजत में रहेंगे। अब मैं इस मज़मून में कुछ वसत पैदा करते हुए पाकिस्तान के हालात पर कुछ तबसरा करना चाहता हूँ और हैसियत इमाम जमात अहमदिया पाकिस्तान के दानिश्वरों और सियासतदानों और साहिब इख्तदार लोगों को मशवरा देना चाहता हूँ। जब खुदा ताला अपनी तरफ से एक इमामत खड़ी करता है तो उस इमामत की नियाबत में फिर जो भी इमाम बनता है उसकी भी रहनुमाई फरमाता है, इसलिए ये रोशनी जो खुदा ताला अता करता है किसी की ज़ात की तरफ से नहीं होती, वो उसी इमामत की बरकत से चलती है। जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो रोशनी मिली वो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत के तवस्सुत और तवस्सुल से मिली, और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाद आपके खुलफा को जो रोशनी मिलती है वह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत की रोशनी से मिलती है। इस लिहाज से हमारा फ़र्ज है कि इस रोशनी से दूसरों के अंधेरे भी दूर करने की कोशिश करें और उनको सूरत हाल से उन पर सूरत हाल वाज़े करके जहाँ तक मुमकिन है उनकी भलाई उन पर ज़ाहिर करें और उनकी बदी को भी उन पर ज़ाहिर कर दें ताकि वो आँखें खोल कर इकदाम करने के अहल हो सकें। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिन सियासी या रहनुमाओं या दानिश्वरों तक मेरी आवाज़ पहुँचे वो हरगिज़ मेरी इस बात को किसी ताली के तौर पर नहीं लेंगे। मैं बहुत ही एक आजिज़ इंसान हूँ, बड़ी आजिज़ी के साथ उनके सामने ये मज़मून खोल रहा हूँ और इसमें सवाए कौम और वतन की भलाई के मेरा और कोई मकसद नहीं है। ये जो वाक़िया ज़ाहिर हुआ है इसमें दो पहलू हैं। कुरान करीम फरमाता है आसान तक रहू शैम वह खैर लगूँ कि बसा औकात तुम समझते हो कि एक बहुत ही मकरूह बात ज़ाहिर हुई है लेकिन उसी में खैर का पहलू मौजूद होता है। एक पहलू से देखें तो एक कौमी सानिया है और रात की तरह भयानक और तारीख है। पाकिस्तान की फौज के चोटी के दिमाग इस हवाई जहाज के साथ उड़ गए हैं और उनके साथ एक ऐसा सफीर अमेरिका का भी लुक्म अजल हुआ और उसके एक साथी जो उनके इंटेलिजेंस के माने हुए तजर्बाकार लोगों में से थे। तो जहाँ तक दुनियावी सियासत का ताल्लुक है एक बहुत ही बड़ा सानिया है और बहुत ही बड़ा नुकसान है। किसी फौज के 5 जर्नैल और 5 चोटी के माहिर ब्रिगेडियर एक ही सानिया में हलाक हो जाएं तो ये कोई मामूली नुकसान नहीं है, ये तो यूँ मालूम होता है जिससे दिमाग का मरकज उड़ जाए और उस फौज का सरबराह भी साथ शामिल हो उसके अलावा, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना बड़ा सानिया और कितना बड़ा नुकसान है। इसके नतीजे में बहुत से ख़ानदान हैं जिनको दुख पहुँचे हैं, जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ उनके दुख में हम उनके शरीक हैं। तो एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है। लेकिन एक और पहलू से देखें तो ये इस वाक़या का दूसरा रुख तुलूए फजर से मिलता जुलता है। यानी एक पहलू अगर रात से मिलता है तो दूसरा पहलू सुबह के फूटने से मिलता है, क्योंकि एक लंबी रात के बाद फिर आखिर वो वक्त कौम को नसीब हुआ है जो
हमें फजर से मुशाबियत रखता है, और इम्कान है कि एक दिन इसके बाद आए जो सारे अंधेरे दूर कर दे और हर किस्म के गमों को दूर कर दे, हर किस्म की तारीखियों को हटाकर रोशनियां ले आए। लेकिन कौमों के मामलात में रात और दिन इस तरह आगे पीछे नहीं आया करते जिस तरह कानून कुदरत में हमें आगे या पीछे आते हुए दिखाई देते हैं। कानून कुदरत में रात और दिन इसलिए बाकायदगी से आते हैं कि खुदा की तकदीर बाकायदा है और खुदा की सुन्नत में कोई तब्दीली वाकया नहीं होती, उसका इंतजाम कामिल है, उसमें कोई रखना नहीं। लेकिन कौमों के रात और दिन उनके अपने आमाल से वाबस्ता हुआ करते हैं, उनकी बेकायदगियां इन दिनों और रातों के तसलसल को बेकायदा कर दिया करती हैं, उनकी बेजाब्तगियां इन रातों और दिनों के मामलात में बेजाब्तगियां पैदा कर दिया करती हैं। इसलिए जरूरी नहीं हुआ करता कि रात के बाद जरूर दिन चढ़े, बाज़ औक़ात रात के बाद अगर दिन चढ़ता भी है तो रात से ज्यादा बदतर होकर बदतर दिन चढ़ता है, यानी रात के ज्यादा मुशाबे होता है, दिन की रोशनी उसमें कम पाई जाती है। इसलिए यह वक्त बहुत ही नाजुक है और कौम के सरबराहों को खूब अच्छी तरह इस सूरत हाल का तजिया करना चाहिए और फूंक फूंक कर इस मैदान में कदम रखना चाहिए। आज अगर ये मौका हाथ से जाने दिया गया तो हो सकता है इस 11 साल रात के बाद एक और लंबी रात कौम के ऊपर मुसल्लत कर दी जाए, और जहाँ तक बैरूनी ताकतों का ताल्लुक है वो यही कोशिश कर रही हैं और इस कोशिश में आइंदा चंद दिनों में ज़्यादा तेज़ी इख्तियार करेंगी। ये कहना कि 16 नवंबर का दिन पाकिस्तान के लिए आज़ादी की खुशखबरी लाएगा, ये कहना कि 16 नवंबर का दिन पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली का दिन होगा, एक सादा सा ख्याल है, इसमें पुख्तगी नहीं है। जब तक हम इस बात का तजिया ना करें कि हमसे इससे पहले क्या होता रहा है, उस वक्त तक हम आइंदा अल्लाह अमल तय करने के अहल नहीं बन सकते। सवाल यह है कि ये जो अंदरूनी गुलामी है हमें जो नसीब हुई एक लंबे अरसे तक, क्या अंदरूनी मुहर्रिकात के नतीजे में हुई या कुछ बैरूनी मुहर्रिकात भी हैं? कौन सी जंजीरें हैं जो हमें पहनाई गई हैं, और 16 नवंबर के दिन वो क्या मौजज़ा होगा जो ये जंजीरें तोड़ देगा? पहली बात खूब अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जब तक बैरूनी गुलामी की जंजीरों को हम नहीं तोड़ते हम नहीं आज़ाद हो सकते, और बैरूनी गुलामी की जंजीरों में अमेरिका की गुलामी की जंजीरें हैं इस वक्त जिन्होंने कौम को हर तरह से बांध रखा है, और ये वो जंजीरें हैं जिन्होंने हमारी फौज को भी जकड़ा हुआ है, और जब फौज मुसल्लत की जाती है तो कठपुतली की तरह मुसल्लत की जाती है, वो खुद बंधी हुई है। और जहां तक पाकिस्तान के अवाम का ताल्लुक है उस पर दोहरी जंजीरों का बोझ पड़ जाता है, एक आका की जंजीरें और ऊपर से उसके गुलाम की जंजीरें। सवाल यह है कि इस वाकया के बाद अचानक ये जंजीरें कैसे टूटेंगी? क्या अमेरिका अपने रवैये में तब्दीली पैदा कर लेगा? जहां तक मैंने देख गौर किया है और जहां तक मैंने बैन अल-अक़वामी खबरों का मुशाहदा किया है, उनके ये बद इरादे खूब खुलकर मुझे दिखाई देने लगे हैं कि वो दोबारा दखल देंगे और हर कीमत पर यह कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पर दोबारा फौज मुसल्लत कर दी जाए, और उसके लिए किसी किस्म के बहाने इनको मुहैया किए जाएं। इसलिए महज 16 तारीख का इंतजार करना काफी नहीं है, मामले को खूब अच्छी तरह समझना चाहिए और उसके मुतल्लिक मुनासिब कार्रवाइयां करनी चाहिए। इसलिए मैं इस मामले पर को निस्बतन ज्यादा खोल के आपके सामने रखना चाहता हूं। पाकिस्तान फौज, पाकिस्तानी फौज की अक्सरियत महबूब वतन है,
और कौम के लिए फौज को अपनी नफरत का निशाना बनाना जायज नहीं, क्योंकि अगर कौम पाकिस्तानी फौज को अपनी आंखें बंद करके अपनी नफरत का निशाना बनाती रहेगी तो दुश्मन के हाथ मजबूत करेगी और फौज में ये एहसास पैदा करेगी कि हम अपने ही मुल्क में खतरात में घिरे हुए हैं। जिस वक्त हम ताकत से बाहर निकलेंगे हमारी कौम हमसे इंतकाम लेगी, और जो जो ये एहसास फौज में बढ़ता चला जाएगा आपके आज़ाद होने के इम्कानात दूरतर होते चले जाएंगे। इसलिए ये मुहिम चाहे सिंध से जारी हो या बलूचिस्तान से जारी हो या सुबह सरहद से जारी हो या पंजाब में दाखिल हो जाए, मुल्क के लिए नहायत मुहलिक साबित होगी। इस वक्त फौज से गुफ्त शनीद का वक्त है, फौज को बाज बातें समझाने का वक्त है। ठंडे दिल के साथ इसमें जज्बात से बाला होकर आपको कार्रवाई करनी होगी। अमरे वाकया ये है कि गुलाम मुल्कों को उनकी अपनी फौजों के जरिए मजीद गुलाम बनाया जाता है। एक हाथ से आज़ादी दी जाती है, दूसरी हाथ से वो आज़ादी छीन ली जाती है और उनके अपनी ही फौजों को उन पर मुसल्लत कर दिया जाता है। एक ऐसी भयानक शक्ल है जिस शक्ल को खूब खोल कर पाकिस्तानी अवाम और उनके रहनुमाओं को अपनी फौज के सामने रखना चाहिए। चंद एक एजेंट्स होते हैं जिनकी हम तय्यीन नहीं कर सकते, अल्लाह बेहतर जानते हैं उनमें से कौन है, लेकिन होता यह है कि कोई बैरूनी ताकत किसी मुल्क के दिफा पर काबिज हो जाती है उसकी मदद के बहाने, और जब दिफा पर गैर कौमें काबिज हो जाएं तो खतरे की जो भी घंटी बजती है उसकी आवाज उन कानों में पड़ती है जो बज़ाहिर हिफाजत के लिए मुसल्लत मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन दरअसल वो खुद कौम के लुटेरे बन चुके हुए होते हैं। जिन्होंने बचाना था वो अगर काबिज हो चुके हों तो बचाएगा कौन? इसलिए फौजों की गुलामी जो गरीब मुल्कों पर मुसल्लत की जाती है इससे बचने की बज़ाहिर कोई सूरत नजर नहीं आती। इसकी शक्ल बिल्कुल एड्स जैसी बीमारी से है, मिलती जुलती है। एड्स बीमारी जिसका आजकल बड़ा चर्चा है, उसके खिलाफ साइंसदान इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकते कि बैरूनी जरासीम जिस्म के सेहतमंद हिस्सों पर बराह रास्त काबिज नहीं होते बल्कि जिस्म के दिफाई निज़ाम पर काबिज हो जाते हैं। इसलिए जब खतरे की घंटी बजती है तो वो खुद खतरा है खुद अपने लिए, दिफा उनके कब्जे में होता है, वो उस दिफा को अपने खिलाफ हरकत में आने नहीं देते क्योंकि दिफा पूरी तरह उनके कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए ये बहुत ही बड़े खतरनाक शक्ल है जो आजकल बदकिस्मती से तीसरी दुनिया का मुकद्दर बनी हुई है, उन पर फौजें मुसल्लत की जाती हैं। और बदनसीबी की हद यह है कि आजकल टेलीविजन के ऊपर खुले 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 लफ्जों में इन कौमों के सरबराह और बड़े बड़े लोग ये तबसरे करते हैं कि नहीं, पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा, उन पर जरूर कोई जरनैल मुसल्लत हो जाएगा। कुछ नहीं होगा से मुराद ये है कि सब कुछ हो जाएगा, यानी बच नहीं सकता, फिक्र ना करो, पाकिस्तान को हम नहीं बचने देंगे, जरूर उनमें ताकतवर जरनैल मौजूद हैं, वो उठेंगे और उस पर उस कौम पर काबिज हो जाएंगे। ये वो हलाकत है जिससे बढ़कर कोई हलाकत तो तसव्वुर नहीं हो सकती। आप घर में चौकीदार रखें कि आपकी हिफाजत करेंगे और चौकीदार मालिक बन जाए और आपको अपना गुलाम बना लें और आपको अपनी परवरिश करने पर लगा दें, आपके अम्वाल के मालिक बन बैठें, आपकी मेहनत का बेहतरीन फल खाने लगें आपकी आंखों के सामने और इतने ताकतवर हो जाएं वो आपका खून चूस चूस के कि आपके तसव्वुर में भी ना ये बात आ सके कि उनका मुकाबला कर सकें। यूं इस मिसाल को पेश किया जाए तो कितनी भयानक नजर आती है, लेकिन मैंने ही इसी तरह के वाकयात तीसरी दुनिया में हो जाते हैं और मुहिब्बे वतन फौजी भी नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं। जब अमेरिका के एक प्रोग्राम में मैंने सुना अमेरिकी एक बड़े लीडर को ये कहते हुए कि नहीं, बड़ा इम्कान इस बात का मौजूद है कि पाकिस्तान में से कोई जर्नैल उठे मर्द और वो सूरत हाल को काबू में ले आए,
मुझे यूं लगा जैसे मेरी आजादी जमीर के मुंह पर किसी ने तमाचा मारा है, मेरे वतन की मोहब्बत के मुंह पर किसी ने तमाचा मारा है। इस कदर तकलीफ दे ये सूरत हाल है इन बदबख्तों से, कोई ये पूछे कि अगर कोई बाहर के मुल्क तुम्हारे किसी सरबराह के मरने पर ऐसे तबसरे करें कि कोई बात नहीं अमेरिका के ऊपर उनकी फौज काबिज हो जाएगी, कोई बात नहीं इंग्लिस्तान के ऊपर उनकी फौज काबिज हो जाएगी, कोई हर्ज की बात नहीं है फ्रांस पर फौज काबिज हो जाएगी, जर्मनी पर फौज काबिज हो जाएगी, रूस पर उसकी फौज काबिज हो जाएगी, तो तुम्हें क्या महसूस होगा? वो तुम्हारा हमदर्द है या कोई बेहया दुश्मन है? बस तुम जब ये कहते हो तुम कैसे यकीन कर सकते हैं कि तुम पाकिस्तान के अवाम के साथी और उनके दोस्त हो? सिवाय इसके कोई दुश्मन हो और बेहया दुश्मन हो वो ऐसी बात नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही नुस्खा है ये आला दर्जे का तो इस नुस्खे को अपनी खराबियां दूर करने पर क्यों इस्तेमाल नहीं करते? क्यों सदनों के इंतखाबात पर इतना वक्त ज़ाया कर रहे हो और अरब हा अरब डॉलर ज़ाया कर रहे हो? तुम्हें चाहिए कि तुम फौज को अपने ऊपर मुसल्लत कर लो, सब बीमारियों का हल है, सब गंदगियाँ इससे दूर हो जाएंगी, काले सफ़ेद के झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, सारे तुम्हारे मसाइल आने वाहद में ख़त्म मिले ख़त्म होकर नेस्त नाबूद हो जाएंगे और तुम आज़ादी के दम लोगे फिर कि अच्छा हमारी फ़ौज जो साफ़ सुथरी और पाकिज़ा अनासिर पर मबनी है वो हम पर मुसल्लत हो गई। आज़ाद मुल्क इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं करते, ये बात हमारा सियासतदान नहीं समझता और इस बात को उनके मुंह पर नहीं मारता। नतीजतन एक सियासत में आज़ादी का बहरान पैदा हो जाता है। सियासतदान इन गरीब मुल्कों का सियासतदान ये समझने लगता है कि जब तक इन ताकतवर मुल्कों को हम खुश नहीं करेंगे उस वक्त तक ये ताकत फौज से हमारी तरफ मुंतकिल करने पर आमादा नहीं होंगे। ये सब समझते हैं अच्छी तरह कि फौज भी इनकी गुलाम है और हम भी इनके दस्ते नगर हैं, इनके रहम करम पर हैं। ये समझने के बाद अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं और फिर बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के लीडर अंदर अंदर खुफिया मुज़ाकरात इन ताकतों से करते हैं जो हमारी आज़ादियों को छीनने वाली हैं और उनको कहते हैं कि देखो हम तुम्हारी राइट साइड पर हैं, हम अच्छे लोग हैं और फिक्र ना करो हम पॉलिसियों को तब्दील नहीं करेंगे, तू हमें ऊपर आने दो। वो यकीन कर बैठे हैं कि जब तक इनकी मर्जी की इतला फौज को नहीं मिलेगी फौज इख्तदार को हमारे सुपुर्द नहीं करेगी। वह के दूसरे लफ्जों में फौज की बालादस्ती को भी तस्लीम कर लेते हैं। तो जब जिंदगी के सफर का पहला कदम यह है कि दो आकाओं की बालादस्ती को तस्लीम किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते और पहले कदम में आपने तस्लीम कर लिया तो कौम की आजादी की बातें करने का आपको क्या हक है? किस तरह आप कौम को यह वादे दे सकते हैं कि हम आएंगे तो हम तुम्हें हर किस्म के मसाइब से हर किस्म के दुखों से आजाद कर देंगे? एक गुलाम लीडर के जाने से कैसे काम बनेगा अगर बाद में दूसरा गुलाम लीडर आगे आ जाए, और उसके जाने से क्या होगा अगर उसके बाद तीसरा गुलाम लीडर आगे आ जाए? इसलिए सूरत हाल को खूब अच्छी तरह खोलना चाहिए, खोल कर देखना चाहिए, इसका तजिया करना चाहिए और सियासी पॉलिसी इख्तदार में आने से पहले बननी चाहिए और आवाम नास के सामने इसको खूब खोल कर बयान करना चाहिए कि इस मुसीबत में कौम गिरफ्तार है, जहां तक हमारा बस चलेगा या चल सकता है हम ये कार्रवाई करेंगे तुम्हें आजादी दिलाने के लिए। तजिया बजात खुद एक इलाज हुआ करता है, अगर सही तजिया हो जाए तो बाज दफा मामूली सी कोशिश से बीमारी दूर हो जाती है। इसलिए मैं कौम के सियासतदानों को नसीहत करता हूँ कि सूरत हाल को समझें और इसका सही इलाज तजवीज करें। यह भी गलत है कि हम अमेरिका से निजात पाने के लिए अवामुन्नास में अमेरिका के खिलाफ इश्तेहाल अंगेजी करें और नफरत फैलाएं। आलमी सियासत में हमारा एक मुकाम है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए और वो कमजोरी का मुकाम है। आलमी सियासत में हम
ये इख्तियार नहीं रखते कि एक को दुश्मन समझें और दूसरे को दोस्त समझें। अगर हम अकल से काम लेंगे तो दोनों दोस्त हो सकते हैं, और अगर अकल से काम नहीं लेंगे तो दोनों दुश्मन साबित होंगे। आलमी सियासत पर माइट इज राइट का कानून है, ताकत का कानून जारी है, कोई रहमो करम का कानून यहां नहीं चलता। इस हकीकत को समझकर आपको अपने लिए आइंदा राहें मुअय्यन करनी होंगी, और इससे बेहतर वक्त आज जो वक्त आया है ये आपको कभी नसीब नहीं हो सकता था। ये जो बातें हो रही हैं कि सेबाटाज हो गया, और आर्मी इंटेलिजेंस इस बात को ज्यादा जोर से बयान कर रही है, ये दरअसल आइंदा सियासत को इख्तियार में आने से रोकने का एक जरिया है, एक बहाना है। अगर इस बात को आगे बढ़ाएं और अमेरिका से माहिरीन आकर भी ये कह दें कि हाँ हाँ ये तो सेबाटाज था, यानी किसी दुश्मन ने खुफिया तौर पर बम रख दिया या मिसाइल से इस जहाज को उड़ा दिया, तो फौज के लिए एक बहाना है, अच्छा हमारे सरबराह को तुमने मारा है क्योंकि पाकिस्तानी सियासतदानों ने मरवाया होगा या गैरों के साथ मिलकर किया होगा, इसलिए हमें एतबार नहीं रहा। कई बहाने बनाए जा सकते हैं। आज और 16 तारीख नवंबर के दरमियान अभी काफी फासला है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस्लामाबाद इन दिनों बैनुल अक्वामी साजिशों का अखाड़ा बनने वाला है। बड़ी बड़ी ताकतों के नुमाइंदे वहां पहुंचेंगे और साजबाज करेंगे, और हर तरह कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तानी अवाम को उनकी आजादी से महरूम रखा जाए। इसलिए बहुत वाजे मैं तौर पर बताना चाहता हूं इसका इलाज क्या है। इसका जो इलाज नहीं है वो मैंने आपके सामने खोल के रख दिया है। अवामुन नास को भड़काकर किसी एक बड़ी ताकत के खिलाफ नफरत पैदा करना और बज़ाहिर उससे टक्कर लेना, ये इसका कोई इलाज नहीं है। आप अमेरिका से मुतनब्बे तो रह सकते हैं, ये तो आप बेदार मगजी के साथ यकीन कर सकते हैं कि हमारा दोस्त नहीं है जब तक हमारा मोहताज है हमारा दोस्त है। जहां हमने गलती की और इसको हमारी एहतियाज न रही, ये हमारा दोस्त नहीं रहेगा। हमें हिकमत के साथ इससे मामला करना होगा। उस वक्त तक अमेरिका को दोस्त रखा जा सकता है। इसी तरह रूस का हाल है, इसी तरह हिंदुस्तान का हाल है। इन तीन बड़ी ताकतों में हम घिरे हुए हैं, और कोई महज अपने जज्बाती तौर पर आपसे ताल्लुक की खातर आपका दोस्त नहीं है, ना होगा कभी। इन तीनों ताकतों में से किसी एक को दुश्मन बनाना पाकिस्तान के हक में अच्छा साबित नहीं हो सकता। इसलिए सिवाय इसके और कोई जरिया नहीं कि अमेरिका से कहें कि तुम जो कुछ भी करते हो उससे बाज रहो, अगर तुम चाहते हो कि हमारे ताल्लुकात तुमसे दुरुस्त हों तो हम तुम्हारे दुश्मन नहीं बनेंगे। ये हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं। इसलिए भी यकीन दिलाते हैं कि हमारे पास चारा ही कोई नहीं, हम तुम्हारे दुश्मन बन सकते नहीं है। बेख्तियार कौम है बेचारे, 100 तरह की एहतियाजें हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें क्यों वहम है कि सियासत ऊपर आ गई तो तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी? दुश्मन हो नहीं सकती। हमारे हालात का तकाजा यह है कि हम इन तीनों बड़ी ताकतों से दोस्त के दोस्त बने रहें। इसलिए हम तुम पे खूब वाजे करना चाहते हैं कि अगर तुम हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी बंद कर दो तो हमारी तरफ से कोई दुश्मनी नहीं है। बेहतर ताल्लुकात के इम्कानात हैं, बदतर ताल्लुकात का कोई एहतमाल नहीं। लेकिन खूब अच्छी तरह याद रखें कि अगर गलती से इनको ये एहसास दिलाया गया, जैसा कि दिलाया जाता है बाज़ औक़ात, कि तुम हमारे दुश्मन हो, तुमने हमें गुलाम बनाया, हम तुम्हें उतार कर निकाल कर बाहर मारेंगे और तुम्हारे साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लेंगे और रूस की तरफ चले जाएंगे, तो ये सारी खोखली बातें होंगी, नुकसान के सिवा इससे आपको कुछ नहीं पहुँचेगा। क्योंकि रूस की तरफ अगर जाना भी चाहें तो रूस आपको हिंदुस्तान के मुकाबले पर कबूल नहीं कर सकता। उसके लिए फैसला करना है दो चीजों के दरमियान, तरजीही फैसला करना है, या हिंदुस्तान को इख्तियार करे या आपको इख्तियार करे, क्योंकि आप दोनों के दरमियान तो वो कौवे और गुलेले का सा बैर है, और जिस तरह एक नियाम में दो तलवारें नहीं आ सकती, उस तरह एक दोस्ती के दायरे में इस वक्त सरदस्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं हो सकते।
इसलिए मजबूरन रूस को इख्तियार करना होगा किसी एक को, और जहां तक तरजीह का ताल्लुक है वो लाजमन हिंदुस्तान को तरजीह देगा। इसलिए अमेरिका से दोस्ती तोड़कर आपका ये ख्याल कि आपको हिंदुस्तान के जबर और जुल्म से भी रूस बचा लेगा, ये बिल्कुल एक बातिल ख्याल है, इसमें कोई भी हकीकत नहीं। आप बेदोस्त हो जाएंगे, फिर बेसहारा हो जाएंगे, और दूसरी तरफ इसके और नुकसानात भी होंगे, क्योंकि बैरूनी सियासत का सिर्फ मामला दखल नहीं हुआ करता कौमों की बहबूद में, अंदरूनी तौर पर भी उसके असरात मुतरतब होते हैं। जब आप किसी एक कौम के खिलाफ, खा वो उसने आपसे अच्छा सलूक किया हो या ना किया हो, नफरत की तालीमें देते हैं तो आपकी कौम अंदर से फटना शुरू हो जाती है, दो इंतहाएं आपकी कौम में पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, एक राइटिस्ट कहलाते हैं, एक लेफ्टिस्ट कहलाते हैं, और बिल आखिर कौम दो नीम हो जाती है। अगर तो फैसला हो जाए किसी वक्त और एक ग्रोह बहुत ज्यादा कुव्वत के साथ गालिब आ जाए, तो फिर नतीजा निकला करता है कि एक कमजोर ग्रोह बेचारे का कत्लेआम हो जाता है अपने ही हमवतनों के हाथ, और उनको बुरी तरह से मिलियामेट कर दिया जाता है। और अगर वो बराबर रहें या फैसला कुन फर्क ना हो, तो मुसलसल एक दूसरे के खिलाफ नबरदाजमा रहते हैं और कौमी मुफादात को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो पोलराइजेशन तीसरी दुनिया के ममालिक के लिए एक जहर कातिल है और नहायत ही मोहलिक चीज है। इसलिए नफरत खा रूस के खिलाफ फैलाई जाए, खा अमरीका के खिलाफ फैलाई जाए, कौम को बांट देगी और कौम के लिए बिल आखिर नहायत मोहलिक साबित होगी। इस वक्त यकजहती की जरूरत है, एक कौमी हुकूमत की जरूरत है, कौमी सियासत की जरूरत है। पहले थोड़ा पाकिस्तान के खिलाफ बटा हुआ है, कहीं कोई सिंधी है, कहीं बलोची है, कहीं पंजाबी, कहीं पठान, फिर जातों में बटा हुआ है, फिर फिरकों में बटा हुआ है, फिर सियासी तसव्वुरात में पहले ही कई किस्म के तसव्वुरात में बटा हुआ है, फिर फौजी गैर फौजी में बटा हुआ है, फिर महाजिर गैर महाजिर में बटा हुआ है। इतने रखने हैं हमारी वहादत में कि इन रखनों के पर इजाफा करते हुए कौम को मजीद रखनों में मुबतला करना और कौम के दरमियान मजीद फासले पैदा करना हमारे लिए लाजमन हलाकत का मुजीब बनेगा। इसलिए अब ऐसी जस्तजू करें, कोई ऐसे तरीक इख्तियार करें कि कौम इकट्ठी होने की बातें शुरू करें और एक वहदत पर जमा होने के ख्यालात को फरूग मिले। ये सब सियासतदानों की जिम्मेदारी है। खाली 16 नवंबर का इंतजार तो कोई इंतजार नहीं है। फिर जब आप फौज के इस रवैये को देखते हैं और खुलकर फौज को यह नहीं कहते कि अगर तुमने खैरात के तौर पर हमें हुकूमत देनी है या अमेरिका के इमा पर हमें हुकूमत देनी है तो हम ये हुकूमत नहीं लेंगे, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो सकता। क्योंकि जो ताकतवर अपनी ताकत को खुद छोड़ता है वो हमेशा इस बात को की यकीन दहानी पर छोड़ता है कि मैं जब चाहूं इस ताकत को वापस ले सकता हूं, और इस शर्त के साथ छोड़ता है। चुनाचे इससे पहले जुनेजो साहब की हुकूमत इसी किस्म की सियासी खुदकुशी कर चुकी है, जब 8th Amendment में जो आठवीं तरमीमी बिल मंजूर हुआ, उन्होंने अपने हाथ से उस ताकतवर को ये तमाम इख्तियारात दे दिए कि जब चाहें आप ये सारी ताकत हमसे छीन लें, तो बिल्कुल बेताकत होकर रह गए। ऐसा एक तजाद पैदा हुआ पाकिस्तान की सियासत में कि उठे थे अवाम के प्लेटफॉर्म से और फौज की छत से लटक गए और दावा यह किया कि हम डेमोक्रेसी की आजादी यानी जमहूरियत की आजादी के अलमबरदार। अगर अवाम ने चुना था तो अवाम के प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े रहना चाहिए था, और हरगिज ताकत हासिल करने की खातिर किसी किस्म की कोई मुफाहमत नहीं करनी चाहिए थी। दो टोक फैसला करना चाहिए था, हम अवाम के इंतखाब पर आए हैं, बिला मशरूत ताकत लेंगे, और अगर नहीं देनी बिला शर्त ताकत तो हम वापस जाते हैं अवाम में, हमें अपनी जात के लिए कोई ताकत नहीं चाहिए।
अगर ये फैसला उस वक्त हो जाता तो जो वाकयात बाद में रूनुमा हुए हैं हरगिज रूनुमा ना होते। कई किस्म की जो मुसीबतें बाद में पाकिस्तान पर पड़ी हैं वो हरगिज ना पड़ती। इसलिए दूसरी तंबीह मेरी ये है कि फौज से मामला करते वक्त ये हरगिज ना करें कि फौज हमें देगी तो हम राजी होंगे। चुनाचे इसीलिए आप हैरान होंगे ये देखकर कि वो सियासी पार्टियां भी जो फौज से अंदरूनी तौर पर सख्त मुतनफिर और बेजार हैं वो भी खुलम खुला फौज पर कोई तबसरा नहीं करते। इसलिए कि वो उनके लिए तीसरी राह कोई नहीं है। वो समझते हैं कि अगर हमने किया तो खुलकर तबसरा कर सकते हैं। हालांकि ये मैं मशवरा नहीं दे रहा, जब ऐसा तबसरा करेंगे तो फौज मुतनबे होगी और ज्यादा बिदकेगी, उसको खतरात महसूस होंगे आपकी तरफ से, और वो चंद जरनैल जो फौज के नाम पर काबिज हुआ करते हैं उनके हाथ मजबूत होंगे। फौज की राय आमा को बेदार करने की जरूरत है, खुले खुले बयानात के जरिए अखबारात के जरिए ये बताने की जरूरत है कि हमारी फौज की अक्सरियत वफादार है, हमारी फौज की अक्सरियत आज भी हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जब भी मुल्क के मफाद में तकाजा होगा ये किसी कुर्बानी से जरिया नहीं करेंगे। हमारे सिपाही वफादार, हमारे अक्सर अफसरान वफादार, इन बेचारों को इनके फौज के डिसिप्लिन उसके नज्म ज़ब्त ने ऐसी जंजीरों में जकड़ा हुआ है कि जो एक दफा ऊपर आ जाए उससे ये बाहर नहीं जा सकते, और फौजों की बका के लिए ये जरूरी हुआ करता है। इसलिए ऐसी मशीनें हैं जो बेख्तियार हो चुकी हैं। आप क्यों उस सारी मशीनरी के हर कलपुर्जे के खिलाफ नफरत की तालीम देते हैं? जब भी आप बातें करते हैं अंदरूनी तौर पर उसकी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस के जरिए फौज को पहुंचती है, खा वो सिंध में बातें हो रही हों या बलूचिस्तान में या सरहद में, ये सब अच्छी तरह बाखबर होते हैं कि ये मनसूबे बनाए जा रहे हैं कि एक दफ़ा हम आए सही फिर हम इनको मजा चखाएंगे। फिर ये जब ऐलान होते हैं कि फौज कम कर दी जाए और इसकी ताकत ख़त्म कर दी जाए, हमें ज़रूरत नहीं है, ये सारी तंबीहात हैं जो फौज को पहले से मिल रही हैं और ये इलाज नहीं है। इलाज ये है कि फौज को बताएं कि तुम बड़ा जुल्म करने वाले हो, तुम्हें पता ही नहीं कि आलमी सियासत में हो क्या रहा है, तुम गैर कौमों के आलाकार बन गए हो, तुम्हें यह पता नहीं कि तुम किस लिए क्या कर रहे हो, तुम तुम्हारी डायरेक्शन नहीं रही, कोई तुम्हारा रुख मुअय्यन नहीं है, और आंखें बंद करके एक बैरूनी ताकतों के आलाकार बनते हुए अपने वतन के ऊपर तुम मुसल्लत हो गए, शर्म नहीं आती तुम्हें, कोई हया बाकी नहीं रही कि जिस कौम जिस फौज को गैर कौमों के तसल्लुस से बचाने के लिए कायम किया गया था और सारी कौम अपना खून पिलाती है तुम्हें इस वजह से कि तुम हमें गैरों के तसल्लुस से महफूज रखो, उस पर तुम खुद मुसल्लत हो गए। फौज का जमीर आज भी जिंदा है, इसको झुंझोड़े तो सही। फौज की भारी अक्सरियत समझेगी इस बात को और बगैर खून खराबे के, बगैर इनके खिलाफ नफरत की तालीम दिए इनके अंदर एक शऊर बेदार होगा, ये अपने अफसरों को कहेंगे कि हम ये नहीं होने देंगे। अभी चंद दिन हुए हमने आज़ादी हासिल की थी और अपनी आज़ादी के ऊपर हम खुद तबर बनकर बैठ जाएं, तबर बनकर पढ़ें और आज़ादी को टुकड़े टुकड़े कर दें, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। ये आवाज़ अगर बाहर से उठेगी तो फौज में मुदाफियत पैदा करेगी, अगर फौज के अंदर से उठनी शुरू हुई तो ये आवाज़ फौज को आज़ादी का एहसास दिलाएगी, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएगी। इस नारे के खिलाफ मुराफत और मुदाफियत पैदा नहीं होगी बल्कि इसके हक में मजीद दिल इस मजीद फौजी और आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर देंगे। यानी एक आवाज़ बढ़ते बढ़ते दो तीन चार आवाज़ों में तब्दील होगी, और ये ऐलान करना अखबारात में ऐसे बयान देना हरगिज़ मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं है, कोई कानून शिकनी नहीं, अब कोई नफरत की तालीम नहीं दे रहा है, आप ये मामला खोल कर बयान कर रहे हैं कि देखो ये हो रहा है, ऐसा ना करो, तुम कर सकते हो मगर हम तुम्हें तुम्हारी ज़मीर का वास्ता देते हैं, तुम्हारी वतन की मोहब्बत का वास्ता देते हैं, तुम्हारी माँ और बहनों की इज्जत का वास्ता देते हैं, तुम्हारे बिलकते हुए बच्चों का वास्ता देते हैं कि खुदा के वास्ते अपनी ही कौम की आज़ादी को ना लूटो। छीन सकते हो, क्यों नहीं छीन सकते, ताकत की बहस नहीं है, मगर अगर छीनोगे तो हमेशा के लिए मलून बन जाओगे, हमेशा के लिए तारीख में इबरत का एक निशान बन जाओगे, मीर जाफर के नाम की तरह तुम्हारे नाम पर लानतें डाली जाएंगी।
तुम्हारा नाम मीर सादिक का नाम बनकर दोबारा उभरेगा। ये बताओ इस कौम को, क्या किसी बाप को इख्तियार नहीं कि अपने मासूम बेचे बच्चे को दीवार के साथ टकरा कर उसके दिमाग का भेजा बाहर निकाल दे, उसके सर को पारा पारा कर दे? मुमकिन क्यों नहीं? ताकत है। वह किस साहिब जमीर इंसान में यह ताकत है बताइए? हां, अगर जमीर मर जाए और इंसान पागल हो जाए और कोई सोच बाकी ना रहे, जज्बात तबाह खत्म हो चुके हों, तो पागल माएं भी बाज दफा अपने बच्चों का सर दीवार से पटक कर उसको उसका भेजा बाहर निकाल देती है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। अमरीका में ऐसे वाकयात हुए, मैंने खुद पढ़े हैं, कि एक माँ ने खुद अपने बच्चे का सर दीवार से पटका और उसके टुकड़े टुकड़े उड़ गए और उसके भेजा बाहर निकल कर फैल गया। ऐसा मकरूह मंजर लोगों ने देखा। तो क्या पाकिस्तानी फौज के लिए यही मुकद्दर रह गया है? कौन कहता है तुम्हें ताकत नहीं है? मगर याद रखो, तुमने ये ताकत हमसे हासिल की है, अपनी बीवियों से, अपने बच्चों से, अपनी माओं से हासिल की है, कौम के कमजोर मजदूरों से हासिल की है, इन गरीबों से हासिल करके फिर तुम उस पर मुसल्लत हो जाए, कोई तुम्हें शर्म बाकी नहीं। इसलिए गैरत का नमूना इजहार करो, अपनी हमीयत का इजहार करो, कौम की आजादी की खातिर, जो तुम्हारी अपनी आजादी का पैगंबर है, तुम कौम को आजादी दिलाओ। उसके बगैर ना कभी तुम बाज़मीर इंसान के तौर पर जिंदा रह सकते हो, ना एक बाज़मीर फौज के तौर पर तुम्हें जिंदा रहने की अहलियत रहेगी। ऐसी फौजें जो अपने अवाम पर मुसल्लत हों, लाजिमन बाहर से ताकत हासिल किया करते हैं। ये नुक्ता क्यों नहीं समझते ये लोग? कभी दुनिया में कोई फौज बाकी नहीं रह सकती जब तक उसकी ताकत का कोई सरचश्मा ना हो। अब अवाम को अगर मुतनफर कर लिया है, अगर अवाम पर मुसल्लत हो गई है, तो फिर बैरूनी ताकतों के सहारे पर ये फौजें मजबूर हो जाया करती। और यही वो राज है जिसे समझकर गैर कौमें गरीब कौमों पर हुकूमत करती, फौज को रिश्वत देना सिखाती हैं, फौज को चंद अफसरों को जुल्म करना सिखा देती हैं और उनके सुपुर ताकत कर देती। फिर वो जो जो जुल्म में बढ़ते हैं, वो मजबूर होते हैं किसी बड़ी ताकतवर कौम का सहारा लेने पर। और जिन लोगों ने उनको मुसल्लत किया हो, वो उनकी तरफ झुकते हैं और मजीद ये ताल्लुक बढ़ते चले जाते हैं, यहाँ तक कि अपना ही मुल्क अपने ही फौज के हाथों ऐसी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाता है जिसके टूटने के आसार नजर नहीं आते। और जब आज़ादी की बातें हों भी, तो सौदाबाजी की बातें हो रही, आज़ादी की बातें नहीं हो रही होती। तो आज आपने एक बयान पढ़ा होगा एक पाकिस्तानी वजीर का, कि हम तुर्की के निज़ाम हुकूमत की तरस पर फौज को जमहूरियत का मुस्तकिल हिस्सेदार बना लें। क्या मतलब है इस बयान के पीछे, क्या बात है? वही कमजोरी बुनियादी तौर पर, आपको इल्म है, यकीन हो चुका है कि ये फौज गालिब आ गई है और इस फौज से हम छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। इसलिए बतौर रिश्वत, बतौर जमानत, आप अपने हाथ से अपनी रगे गर्दन उनकी उंगलियों में थमा देते हैं, कहते हैं अच्छा हमारी गर्दन पर हाथ रख लो। यानी एट्थ अमेंडमेंट की दूसरी शक्ल है ये, फिक्र ना करो हम भाग के कहीं नहीं जाते। लानत हो ऐसी आजादी पर, ऐसी जमहूरियत पर। ये जमहूरियत लेकर आप अवाम के सामने उभरेंगे? अवाम अगर होशमंद हो तो इस जमहूरियत के मुंह पर थूके भी नहीं, जो एक गुलाम जमहूरियत है। सिर्फ मुश्किल यह है कि इनको ताकत में आने की जल्दी है, बेचैन है, किसी तरह हम ताकत के ऊपर आ गए। जरा सब्र करें, मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर ये सब्र का नमूना दिखाएं और समझाने से काम लें, आवाम को गलियों में ना निकालें ताकि उनका खून हो, कोई जरूरत नहीं हमें इतनी बड़ी कुर्बानियां दिलवाने की आवाम से। वो पहले ही मजलूम और मारे हुए हैं बेचारे, सितम रसीदा हैं, उनको कहां आप अपनी फौज से टकराते रहेंगे? अकल से काम लें, तहम्मुल से काम लें, मामलात का सही तजिया करें, इनको समझाएं कि ये कुछ हो रहा है, और मुज़ाकरात करें अमेरिका से भी इसी तरह रोशनी के साथ मुज़ाकरात करें कि देखो अगर तुम बाद नहीं आओगे तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे, जब हमें यह पता लगेगा कि तुम्हारे हाथों हमने मार खानी ही खानी है, तो फिर हम मजबूर होंगे, फिर जो भी करेंगे हम आज़ाद हैं इसमें। और फिर तुम खुद उस पोलराइजेशन को पैदा करने वाले होगे
जिसमें दिन ब दिन सारा मुल्क लेफ्ट की तरफ झुकता चला जाएगा और बाएं बाजू की ताकत बनता चला जाएगा। और जब यह हो जाएगा उस वक्त फिर रूस के आने से कोई दुनिया की ताकत, रूस के पाकिस्तान में आने से रूस को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। ये वहम है यही कि रूस अभी हाथ खुद छोड़ के चला गया, कमजोरी का निशान है। हरगिज कमजोरी का निशान नहीं। रूस को, रूस की आलमी पॉलिसीज तब्दील हो रही हैं। रूस ने यह महसूस कर लिया था कि जब तक न्यूक्लियर डिटेरेंट्स मौजूद हैं और उसमें हमारे मुखालिफाना ताकतों को बरतरी हासिल होती चली जा रही है, यानी एटमी आलात में, उस वक्त तक हमारी कन्वेंशनल वेपन्स में, यानी जो रवायती हथियार हैं उनमें बरतरी हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती। इन एक और तीन की निस्बत है रूसी अफवाज को और उनके हथियारों को, जहां तक पुराने रस्मी हथियारों का ताल्लुक है। अमेरिका और यूरोप की सारी ताकतें मिल भी जाएं तो तब भी रूस की रस्मी फौज का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन क्या फायदा है इस बरतरी का अगर आलमी तौर पर एटॉमिक डिटरेंट मौजूद है, बैन अलावामी तौर पर एटॉमिक डिटरेंट मौजूद है, यानी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि एटम बम दोनों तरफ हलाकत का पैगाम बन सकता है। इसलिए इन्होंने अपनी पॉलिसी तब्दील की है। ये पहले आलमी डिटरेंट को हटाएंगे और उस फिजा को साफ करेंगे जहां से एटमी बम इनके लिए खतरे का मौजूद बन सकते हैं, खा वो मुकाबलतन अमरीका के लिए भी खतरे का मौजूद। ये फिजा साफ हो जाएगी, चीन से ताल्लुकात दुरुस्त हो जाएंगे तो फिर एक नई सियासत उभरेगी। अगर ये वाकयात रूनुमा हो जाएं, अगर हालात में और कोई तब्दीलियां पैदा ना हों जो इस सियासत का रुख बदल दें, तो फिर रूस अगर चाहे कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान को आनन फानन अपने कब्जे में कर ले, तो ये लोग जो समझते हैं कि ये अफगानिस्तान से निकाल कर हमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है, ये इनके लिए बहुत बड़ी सरप्राइज पड़ी हुई। रूस की इतनी बड़ी ताकत है कि मशरकी यूरोप की अजीमशान ताकतों ने जब उसको निकालने की कोशिश की तो चंद घंटों में वो तबाह कर दी गई, बस चंद दिनों में, बस चंद घंटों में। इसलिए इस गलतफहमी में मुब्तला ना हो, आपका एक हमसाया बहुत बड़ा ताकतवर हमसाया है जो साथ जुड़ा हुआ है, अमेरिका आपसे दूर है, वो चाहे भी तो उस वक्त आपकी मदद को नहीं पहुंच सकेगा। एक दफा कायदे आजम जब हैदराबाद दखन तशरीफ ले गए तो वहां अकबर यार जंग साहब से उनकी गुफ्तगू हुई, बहादुर यार जंग साहब से। बहादुर यार जंग साहब उनके साथ थे हमेशा, मुस्लिम लीग का साथ देने वाले थे, लेकिन उन्होंने इस खदशे का एहसास किया, इजहार किया कि आप कहते हैं कि हम यहां अलग अपनी आजादी का ऐलान कर दें और पाकिस्तान हमारी हिफाजत का जिम्मेदार है, हमें आपसे, आपके इरादों पर तो कोई शक नहीं, मगर हालात बड़े खतरनाक होंगे कि छोटी सी एक रियासत एक बड़ी ताकत के दरमियान घिरी हुई अपनी आज़ादी का ऐलान कर दे और पाकिस्तान दूर बैठे उसकी हिफाजत का जिम्मेदार हो जाए। तो कायदे आजम ने जवाब में कहा कि हम तुम्हारी मदद को आएंगे अगर ऐसा हुआ, हमारी कमिटमेंट है। उस पर बहादुर यार जंग ने गालिब का ये शेर पढ़ा कि हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। हम ये तो नहीं कहते कि तुम तगाफुल करोगे, तुम तो एक बासूर रहनुमा हो, हरगिज अपने वादों से पीछे नहीं हटोगे, लेकिन दुश्मन इतना करीब और इतना ताकतवर है कि तुम्हें खबर होने से पहले पहले हम मिले मेट हो जाएंगे। चुनाचे जब वक्त आया तो बिल्कुल यही बात हुई। इसलिए रूस के साथ हमारी ये हालत, हमारा जो कुर्ब है जोग्राफियाई, उसका ये नतीजा निकल रहा है। तो इस मुल्क को भी दुश्मन हम नहीं बना सकते, अमेरिका को साफ बताना पड़ेगा कि तुम्हारी खातिर हम कोई ऐसी पॉलिसी इख्तियार नहीं करेंगे जिसके नतीजे में हमारा ये बड़ा ताकतवर हमसाया हमारा दुश्मन बन जाए। अपनी सोच में पुख्तगी पैदा करें, बलूगत पैदा करें और इस बात से बेनियाज हो जाएं कि आप इस दफा ताकत में आते हैं कि नहीं।
अगर तमाम सियासी लीडर MRD के नीचे या किसी और झंडे के नीचे इकट्ठे होकर पुख्ता सोच के साथ इन उमूर को फौज के सामने रखें, ठंडे दिल के साथ मुज़ाकरात की शक्ल में अमेरिका के सामने रखें, रूस के सामने रखें, तो मैं यकीन रखता हूं कि एक अजीम शान सुबह पाकिस्तान के लिए तुलू होगी। पाकिस्तान के अंदर वो बुनियादी तौर पर कुव्वत मौजूद है, यानी इंसानी कुव्वत वो मौजूद है जिसमें लामुतनाही तरक्कियात के अनासिर मौजूद हैं। इसलिए हमें दुआ भी करनी चाहिए, ये जो मुबाहले के नतीजे में एक खुदा तआला की तरफ से मौजूदा रूनुमा हुआ है, हमें ये दुआ करनी चाहिए कि इस कौम के लिए रूहानी बरकतों का ही मुजिब न बने बल्कि दुनियावी बरकतों का भी मुजिब बन जाए, क्योंकि दुश्मनियाँ तो मकसद नहीं थी, किसी की हलाकत से तो हम खुश होने वाले लोग ही नहीं। इस मुबाहले के नतीजे में जो एजाजी निशान है हमारे लिए मजीद खुशियाँ लेके आएगा, मजीद रोशनियाँ लेके आएगा, अगर इसके नतीजे में कौम रूहानी लिहाज से भी फ़ायदा उठाए और दुनियावी लिहाज से भी फ़ायदा उठाए। अल्लाह ताला इनको तौफीक अता फरमाए। Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.